हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका रसोई घर में। आज मैं आपके साथ नींबू, मिर्च और मूली की चटपटी अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप मिनटों में अपने घर में बना के तैयार कर लेंगे। और ये बिल्कुल एक मिनट में बिना तेल के बनने वाली अचार है और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये उस खाने का स्वाद बढ़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूली, नींबू और मिर्च की चटपटी अचार बनाना। इसके लिए हम आवश्यकता के अनुसार हरी मिर्च लेंगे, आधा टुकड़ा मूली, आधा टुकड़ा गाजर लेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे और दो नींबू लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मिर्चा जो है उसे कुछ इस तरीके से हमें कट लगा लेना है, मतलब इसे हमें बीच से दो भाग नहीं करना है, हल्का हल्का बस कट लगाना है। ऐसे एक मिर्चा लिया, उसका ऊपर का भाग हटाया और इसे बीच से इस तरीके से हम सारी मिर्चा को काट लेंगे। ये अचार बहुत ही चटपटा बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब मूली को मैंने छिलका हटा लिया है, इसे हम कुछ इस तरीके से काटेंगे। ये देखिए, मूली का बीच से दो भाग कर लेंगे और इसे पतले पतले स्लाइस में हम काट के रख लेंगे। इस अचार को आप एक से दो दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब गाजर को भी हम बीच से दो भाग करेंगे और कुछ इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काट के रख लेंगे हम। वैसे गाजर और अदरक डालना इस अचार में ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो डालें, वरना टोटली स्किप कर दें। अब अदरक को भी हम बीच से ऐसे दो पार्ट में काट लेंगे और इसका पतला पतला स्लाइस काट के हम इसमें रख लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से अदरक को हमने काट लिया। अब हम नींबू को भी काट लेंगे और इसको निचोड़ के इसका सारा जूस हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, दोनों नींबू को हमने काट लिया और दोनों नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस अचार को आप चाहे तो तुरंत बना के खाएं या फिर दो तीन घंटे के बाद खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें हम दो चम्मच नमक डालेंगे। और इसे इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये बहुत ही चटपटा अचार है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, वो खाने का स्वाद बढ़ा देता है। ये देखिए, ये चटपटा अचार हमारा बनके रेडी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।